इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी न किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 5 अक्टूबर के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। दुनिया भर में कंप्यूटर और मोबाइल फोन के क्षेत्र में क्रांति के अग्रदूत माने जाने वाले एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स का निधन आज ही के दिन 2011 में हुआ था। देश दुनिया के इतिहास में 5 अक्टूबर की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध वीरांगना रानियों में से एक रानी दुर्गावती का जन्म आज ही के दिन 1524 में हुआ था। आज ही के दिन 1676 में ब्रिटिश हुकूमत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 तरह के सिक्के ढालने की इजाजत दी। बम्बई में ढाली गई ये मुद्रा रुपया और पैसा कहलाई। भारत में ब्रिटिश राज के दूसरे गवर्नर जनरल व कमांडर इन चीफ लॉर्ड कार्नवालिस का निधन आज ही के दिन 1805 में गाजीपुर में हुआ था। आज ही के दिन 1813 में थेम्स की लड़ाई में अमेरिका के सैनिकों ने ब्रिटिश सेना को मात दी थी। ब्रिटिश सेना में करीब 1000 भारतीय सैनिक शामिल थे। 1864 में आज ही के दिन कलकत्ता में आए प्रलयकारी भूकंप में शहर का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया था। भूकंप में करीब 60,000 लोगों की जान चली गई थी। प्रसिद्ध समाज सुधारक तथा स्वतंत्रता सेनानी किशोरी लाल मसरूवाला का जन्म आज ही के दिन 1890 में हुआ था। ध्रुपद धमार शैली के गायक राम चतुर मल्लिक का जन्म आज ही के दिन 1902 में हुआ था। भारतीय अभिनेता, हास्य कलाकार, राजनीतिक व्यंग्यकार, नाटककार, फिल्म निर्देशक और अधिवक्ता चौधरी रामस्वामी का जन्म आज ही के दिन 1934 में हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास लेखकों में से एक दुर्गा प्रसाद खत्री का निधन आज ही के दिन 1974 में हुआ था। अभिनेत्री केंट विस्लेंट का जन्म आज ही के दिन 1975 में इंग्लैंड के वर्कशायर में हुआ था। कई फिल्मों में महिलाओं के अलहदा किरदारों को अपने अभिनय से समर बनाने वाली केट को टाइटैनिक में उनकी भूमिका के लिए दुनिया भर में सराहा गया था। हिंदी जगत के प्रमुख साहित्यकार भगवती चरण वर्मा का निधन आज ही के दिन 1981 में हुआ था। आज ही के दिन 1989 में मीरा साहिब फातिमा बीबी देश की शीर्ष अदालत में पहली महिला न्यायाधीश बनी थीं। इंडियन एक्सप्रेस समूह के संस्थापक और देश की पत्रकारिता के स्तंभ माने जाने वाले रामनाथ गोयनका का निधन आज ही के दिन 1991 में हुआ था। उन्हें प्रेस की स्वतंत्रता का मुखर पैरोकार माना जाता है। आज ही के दिन 1998 में अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की न्यायिक समिति ने पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के खिलाफ महाभियोग की सुनवाई की सिफारिश की थी। 2001 में आज ही के दिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने सेनाध्यक्ष पद पर अपना कार्यकाल अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया था। भारत के पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी विल्सन जोन्स का निधन आज ही के दिन 2003 में हुआ था। आज ही के दिन 2008 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सेतु समुद्रम परियोजना के लिए दूसरी जगहों का परीक्षण शुरू किया था। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स का निधन आज ही के दिन 2011 में हुआ था। अमेरिका के इस करिश्माई व्यक्ति ने कंप्यूटर और मोबाइल फोन के बाजार को एक नई दिशा दी और उनकी कंपनी एक दिन दुनिया की सबसे सफल कंपनी बनी। आज ही के दिन 2011 में एप्पल द्वारा सिर्फ बोलने से SMS और ईमेल करने में सक्षम आईफोन 4S जारी किया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री काजी रशीद मसूद का निधन आज ही के दिन 2020 में हुआ था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।